अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। खानदानी आन का वो अनमोल खजाना जिसे एक मजदूर के हाथ में देना हम अपनी जिल्लत समझते थे, उसी दो कौड़ी के मजदूर ने आज उसे लूट लिया। बलराम, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हुई, फिर क्यों चुप हो? नाचो, कूदो, खुशियां मनाओ और इस पागल बूढ़े के मुंह पर थूक दो। दोस्तों, आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो 1935 से लेके 69 तक फिल्में बनाते रहे और वो थे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर सुहराब मोदी। और अगर हम आपके कत्ल कर देने की आज्ञा दें तो क्या आपको पछतावा न होगा कि आपने अपनी नादान हिम्मत का कहना मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की? सुहराब मोदी के बैनर का नाम था मिनर्वा मूवी टोन। बैनर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई थी जैसे सिकंदर, पोकार, पृथ्वी वल्लभ, राजहट, शीश महल, जेलर और नौशेर माने आदिल। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने भी 1947 में सुहराब मोदी के साथ उनकी एक फिल्म में काम किया था। उस फिल्म का नाम था मझधार। हीरो थे सुरेंद्र नाथ और हीरोइन थी खुर्शीद। खुर्शीद बाद में पाकिस्तान चली गई थी। एक दिन मैं सेट पे बैठी हुई थी, पता नहीं कैसे मुझे छोटी सी थी नींद का झोंका आ गया और मैंने एक उबासी ली, तो अचानक जोर से आवाज आई, मोदी साहब की पैका। सब लोग घबरा गए और पूछा कि मोदी साहब आपने अचानक पैकअप क्यों कर दिया? तो कहने लगे, देखो ना, ये छोटी सी जो बच्ची है ना, बेबी तबस्सुम, थक गई है और ऐसी हालत में मैं इससे काम नहीं करवाना चाहता। खुर्शीद आ गई और कहने लगी, मोदी साहब आपको पता है ना, कल मैं लाहौर जा रही हूँ और 2 महीने के बाद लौटूंगी। मोदी साहब कहने लगे, मैडम आप 6 महीने के बाद आएंगे, मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक छोटे से बच्चे से जो थक गया है, उसे नींद आ रही है, मैं उससे काम लूँ। तो ऐसे थे सुहराब मोदी। मोदी साहब मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, मेरा काम और उर्दू बोलने का अंदाज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मोदी साहब पारसी थे लेकिन खुद उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। एक मजहबी पेशवा होने की हैसियत से आपका ये फर्ज नहीं है कि शाही राय और इंसाफ को फरियादी के खिलाफ बनाए। अफसोस, आज शाह आदिल का इंसाफ भी मजलूमों का सरपरस्त होने के बदले जालिमों का तरफदार हो गया। उन्हें शेर व शायरी का बहुत ज्यादा शौक था और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है उनकी मशहूर सुपरहिट फिल्म मिर्जा गालिब। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मोदी साहब बहुत ज्यादा अमीर और रईस थे। मुंबई में उनकी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और सिनेमा हाउस भी थे। उनकी बीवी का नाम था मेहताब मोदी और वो अपने वक्त की काफी मशहूर हीरोइन थी। उनका एक ही बेटा है सुहराब मोदी का और उसका नाम है महली मोदी। मोदी साहब के करियर की सबसे महंगी, बड़ी और लेविश फिल्म थी झांसी की रानी, लेकिन अफसोस कि वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मोदी साहब को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। मैंने अपने बचपन में मोदी साहब की जवानी, शान व शौकत और उरूज देखा। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, मशहूर और प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। और बड़े होने के बाद मैंने उनका बुढ़ापा,
और जवाल यानी डाउनफॉल भी देखा। आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उन्हें कैंसर हो गया था और 1984 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी डेथ से भी बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उनके मरने के बाद उनके बेशुमार अवार्ड्स और ख़ास तौर पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मुंबई में चोर बाजार में रखा हुआ मिला फॉर सेल। ऐसी तकलीफ दे बातें भी बताती रहूँगी, आप देखते रहिएगा तबस्सुम टॉकीज़।